हाय, इससे पहले कि आप अपनी नीट प्रिपरेशन में आगे बढ़ें, आज हम मॉक टेस्ट के रिलेटेड वो हर एक चीज डिस्कस करेंगे जो आपको अपने 720 मार्क्स के एम की तरफ लेके जाएगी। आपको इंटरनेट पे मॉक टेस्ट के रिलेटेड जितना भी कंटेंट मिलेगा, ऑलमोस्ट सब कुछ मैं ऑलरेडी आपके बदले देख चुका हूँ। अब इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, हर एक जरूरी चीज इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। अगर मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से आपके नीट एग्जाम के लिए जो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है मॉक टेस्ट, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर लेगा, लेकिन नीट एग्जाम के दिन 3 घंटे के अंदर 100% परफॉर्म वही कर पाएगा जिसने बहुत से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हों। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में 200 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे और ट्रस्ट मी, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पास अपने सारे टेस्ट के पेपर्स अलॉन्ग विद स्कोर्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं मेरे मॉक टेस्ट स्कोर्स एक्चुअल नीट स्कोर के कितना ज्यादा क्लोज हैं। ओके, सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 आवर, लेकिन अपने सारे टेस्ट स्कोर्स का एवरेज करने के बाद द नंबर केम आउट टू बी 680, विच इज ओनली 10 मार्क्स अवे फ्रॉम 670, जो कि मेरा एक्चुअल नीट 2022 का स्कोर था। सो आई एम प्रीटी श्योर अब इसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस समझाने की और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। मॉक टेस्ट कैसे दें? देखो, टेस्ट देने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप किसी कोचिंग में ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपके लिए पहले से ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है। अगर नहीं तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरह की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम या फिर किसी भी और साइट से फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं तो उसके आपको 2 फायदे एक्स्ट्रा हैं। पहला तो ये कि आपको स्टैंडर्ड लेवल के पेपर्स मिल जाएंगे, और दूसरा ये कि ऑल इंडिया रैंक से आपको पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। आप आकाश, एलन या फिजिक्स वाला किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, सभी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। मॉक टेस्ट कौन से दें? देखो, टेस्ट तो बहुत तरह के अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हाफ टेस्ट, फुल नीट बेस्ड टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट वगैरह वगैरह। तो अब आपको कौन से देने हैं? देखो, पहले तो आपको सबसे ज्यादा बार नीट पैटर्न बेस्ड फुल 720 मार्क्स के ही टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आप चाहें तो कभी कभार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उससे खास फायदा नहीं होता। अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं तो आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट ही देने चाहिए, और अगर आप 12th के बाद रिपीटर्स या फिर कॉम्पैक्ट बैच में हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस और पार्ट सिलेबस दोनों ही तरीके के टेस्ट देने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि आप हर एक टेस्ट ऑफलाइन मोड में ही दें, या तो आप किसी एग्जाम सेंटर जाकर टेस्ट दे सकते हैं, वरना अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो फिर भी आपको OMR की कॉपीज प्रिंट कराकर टेस्ट के साथ OMR फिल करना चाहिए। ये कोशिश करिएगा कि आप नीट की तरह का एनवायरनमेंट रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो ट्राई करना कि आप अपना हर एक टेस्ट 2 PM टू 5 PM की ही ड्यूरेशन में दें, जब आपका एक्चुअल नीट एग्जाम भी होता है। मॉक टेस्ट कितने दें? 11th या 12th क्लास में आपको हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और कॉम्पैक्ट या रिपीटर्स बैच में आप हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपका नीट एग्जाम नजदीक आएगा, आपको टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2x a week, फिर हर अल्टरनेट डे पे एक टेस्ट, और एंड में हर दिन एक मॉक टेस्ट। मोस्ट ऑफ द लोग संडे के दिन ही टेस्ट देते हैं, मैं भी वैसे ही करता था, आप भी सेम चीज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से याद आया, ओसवाल बुक्स की मॉक टेस्ट बुक आपके टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए एक ओवर द टॉप बुक है। इसमें पहले तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए लेटेस्ट 2023 के पैटर्न पे बेस्ड 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जो कि फुली सॉल्वड है, और नीट 2021 एंड 22 के लेटेस्ट पेपर्स भी आपको फुली सॉल्वड मिलेंगे। साथ में ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट्स और शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे। और इस बुक में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, माइंड मैप। पूरे चैप्टर को लंबे टाइम तक रिटेन करने के लिए इसमें सिंगल पेज स्नैपशॉट्स हैं और निमोनिक्स भी हैं, ताकि आपकी मेमोरी और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट हो सके। वैसे इसमें नीट क्रैक करने के लिए टिप्स और चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस दोनों हैं, और हाँ, इसमें ओसवाल QR कोड्स भी हैं ताकि आप इजीली ऑनलाइन कंटेंट एक्सेस कर पाए। तो अगर आपको ये बुक पसंद आती है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। अब आपका टेस्ट अगर संडे को शेड्यूल्ड है तो आपको उससे पहले के सारे दिन प्रिपरेशन करते जाना है, एक्सेप्ट द लास्ट डे सैटरडे। सैटरडे का दिन आपको टेस्ट के सारे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए यूज करना है, और उसके बाद संडे को टेस्ट से पहले आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाइलाइटेड चीजें रिवाइज कर सकते हैं। द टेस्ट डे, ओके, तो अब जब आप अपना टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे आपको ये पैटर्न मिलेगा। टोटल पेपर में 200 क्वेश्चंस होंगे जिनके 720 मार्क्स बनेंगे, क्योंकि कंपलसरी सिर्फ 180 क्वेश्चंस हैं। पेपर 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, विद 50 क्वेश्चंस ईच, जिसमें है 35 कंपलसरी क्वेश्चंस और 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। तो हर सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस हैं जो 180 मार्क्स बनाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप हैं, जिसमें कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो आप पेपर अटेम्प्ट करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजीज होती हैं। लेकिन आपने अभी तक अगर कोई एक स्ट्रैटेजी मास्टर नहीं की हुई है तो आपको सबसे कॉमन वाली ही फॉलो करनी चाहिए। पहले बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री और सबसे एंड में फिजिक्स। यही स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल और मैं भी यही फॉलो करता था। अब एक इफेक्टिव तरीका ये होता है कि आप राउंड्स में पेपर सॉल्व करें। पहले तो आप अपना सारा पेपर ऊपर बताए गए ऑर्डर में सॉल्व करेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर पे आंसर्स मार्क करते जाएंगे। अब इस टाइम जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे या फिर जिनमें आप डाउटफुल हैं उन्हें आप मार्क करके छोड़ देंगे। फर्स्ट राउंड में पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आप फिर सेकंड राउंड में वो मार्क किए हुए क्वेश्चंस ज्यादा टाइम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। द टाइम डिवीजन, आपको पूरा पेपर करने के लिए 200 मिनट्स मिलेंगे और आप अपनी स्पीड के हिसाब से टाइम डिवीजन कर सकते हैं। अगर आप मोर और लेस स्लो हैं तो आप 50 मिनट्स में बायोलॉजी, 50 मिनट्स में केमिस्ट्री और 100 मिनट्स में फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम बचाने के लिए आपको अपना ओएमआर भी साथ साथ फिल करना पड़ेगा। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 40 मिनट्स में बायोलॉजी, 40 मिनट्स में केमिस्ट्री और अगले 80 मिनट्स में फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। फिर बचे हुए 40 मिनट्स में आपको अपना ओएमआर फिल करने के साथ साथ चीजें रिवाइज भी साथ में करनी पड़ेंगी। अब टेस्ट स्ट्रेटजी जितनी इंपॉर्टेंट आपकी ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटजी भी है। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप क्वेश्चन वाइज, पेज वाइज, सब्जेक्ट वाइज या फिर एंड पे भी ओएमआर फिल कर सकते हैं। अब ये भी आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप क्वेश्चन वाइज, पेज वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज तीनों में से किसी भी तरीके से ओएमआर फिल कर सकते हैं। आपको तीनों मेथड्स ट्राई करके देखना चाहिए कि आप मिनिमम एरर्स किस तरीके के मेथड से करते हैं और फिर उसी एक तरीके को आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज्यादा है और आप पहले ही पेपर खत्म कर पाते हैं तो आपके पास ओएमआर एंड में फिल करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, वरना आपकी स्पीड का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप में से हाई स्पीड स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो अपना पूरा पेपर खत्म करना है और फिर बचे हुए टाइम में ओएमआर फिल करने के साथ साथ सारा पेपर भी रिवाइज करते जाना है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपके एरर्स भी कम होते जाएंगे। ओके, तो ये स्ट्रेटजी की बात हो गई। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्ट्रेस, वैसे तो स्ट्रेस हैंडल करना खुद के कंट्रोल में ज्यादा नहीं होता, लेकिन विद प्रैक्टिस आप स्ट्रेस को कम करना सीख सकते हैं। नीट एनवायरमेंट, अब नीट एग्जाम के दिन आपको सारी ही चीजें अचानक से नई ना लगें, इसलिए आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट में नीट एग्जाम की चीजों को रेप्लिकेट करने की ट्राई कर सकते हैं। आपको मास्क लगाना चाहिए, रफ वर्क के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए, कैलकुलेशंस पेपर पे क्वेश्चन के साइड में ऑर्गेनाइज तरीके से ही करनी चाहिए, टेबल चेयर फॉर्मेट में ही टेस्ट देना चाहिए, अपना रोल नंबर मेमोराइज करना चाहिए, रिस्ट वॉच को निकालकर टेबल पर ही रखना चाहिए और सबसे जरूरी चीज, आपको अपनी सराउंडिंग्स को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं बनाना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों का अभी से ध्यान रखने से ही आपको नीट एग्जाम के दिन हर एक चीज सिंपल लगेगी। तो इन सभी चीजों को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। की चेकिंग, ओके, तो अब आपको टेस्ट देने के बाद की चेक करके अपना पेपर एनालाइज करना है। और की चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक ग्रीन और रेड पेन यूज करें। अपने सही किए हुए सवालों को आप ग्रीन से और गलत किए हुए सवालों को रेड से मार्क कर लीजिए। उसके बाद अपने सही और गलत किए हुए सवाल गिन के आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। की चेक करने के बाद अब बारी है मॉक टेस्ट की, सबसे जरूरी चीज की, पेपर एनालिसिस। अब आपको अपने पेपर का वो हर एक सवाल एनालाइज करना है जो या तो आपने गलत कर दिया था, आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, आपने ऐसे ही गेस कर दिया था या फिर जिसमें आपको डाउट था। इन सभी सवालों को आपको सॉल्व करना भी सीखना है और इनकी थ्योरी को भी रिवाइज करना है। आप ऐसी चीजों को अपनी बुक्स पे हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स पे ही नोट कर सकते हैं या फिर अलग से एक मिस्टेक नोटबुक भी मेंटेन कर सकते हैं। यही सारी मिस्टेक्स आपको अपने अगले सभी टेस्ट से बिल्कुल पहले रिवाइज कर लेनी है। ये गलतियां आपसे फिर से कभी रिपीट नहीं होंगी। ऐसे आपको अपने हर एक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखते जाना है। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपका कैलिबर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और हाँ, टेस्ट के साथ एक और चीज आपके काम की है, टेस्ट रिजल्ट्स। टेस्ट रिजल्ट्स आपके लिए एक रियलिटी चेक है कि आप चीजें कितनी ज्यादा सही से कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे रैंक और मार्क्स दोनों ही चीजें मैटर करती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मार्क्स की बात कर रहे होंगे, क्योंकि रैंक इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि आपके साथ और कितने लोगों ने वो सेम टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो एक अच्छी या बुरी रैंक उस चीज से डिसाइड होती है। अब अगर आपके टेस्ट के स्कोर 200, 300, 400, 500 ऐसे आ रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट 600 से कम आ रहे हैं, तो अभी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन डीमोटिवेट होने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर एक टेस्ट में अपने 20-30 मार्क्स बढ़ाते जाना है। अब कभी कभार आपके मार्क्स कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इन जनरल आपको अपने मार्क्स या तो बढ़ाने हैं वरना मेंटेन करके रखना है। ये चीज 650 मार्क्स तक एप्लीकेबल है। उसके बाद अपना स्कोर 650 से 720 तक ले जाने के लिए आप ऐसे 20-30 मार्क्स करके अपना स्कोर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसके बाद चीजें काफी अनसर्टेन हो जाती हैं। तो यहां पर मार्क्स का थोड़ा ऊपर नीचे होना चलता है, लेकिन अगर आप इस लेवल तक आ गए हैं तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका टेस्ट का एवरेज स्कोर 700 प्लस के नजदीक रहे। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब अगर आपको मॉक टेस्ट के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं तो जाके अपने अगले मॉक टेस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट करो। What just happened?